काफी ज्यादा मंगलकारी है, क्योंकि सबसे पहले तो हमारी जो सप्त ऋषियां है उनमें अवंतिका नगरी का विशेष गुण। तो अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मंगलनाथ मंदिर जा रहे हैं। मेरी सिस्टर, मेरी मम्मा, स्वागत है में। हम लोग आ गए हैं ब्लॉगिंग चैनल में। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा फोटो सेशन करवाते हुए, सो हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिया जी कुमार चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। भाई बड़ा 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 ये हेलो कितना। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे मेरी फैमिली आपको दिख रही है मस्ती करते हुए। आप लोग बाहर का देख के समझते हैं कि मूर्ख बना पड़ेगा। सावन के बाद सब सस्ता हो जाएगा, क्या लगता है? 10 रुपया देना पड़ेगा। ड्राइवर साहब आप ही बताइए इतना कैसे देंगे, पहले बोलना चाहिए था। अब रास्ते में आधे घंटे में क्या बोलेगा? गाड़ी है, 1 सूट तो आप ही ले लिए हैं। हम लोग को पैसे का लूट रहे हो क्या? काल के स्थान से आप लोग देखिएगा। आप एक बार चलते हैं, हम लोग तीन बार इसी में चलते हैं। आप लोग बता रहे थे भैया, हम लोग का पैसा लेके तुम लोग इस चीज में ले जाते हैं, तुम्हें लूट में जा रहा है। तो ये मंगलनाथ का अकेला मंदिर है पूरे वर्ल्ड में। यहाँ जब भी आए तो पूजा करें। और ये मतलब ये यहाँ का मान्यता है कि आप यहाँ पे अगर कुछ मन्नत मांगते हैं तो वो जरूर पूरी होती है। और आप तो यहाँ पे आप देखेंगे मंगलनाथ दर्शन, महाकाल श्रृंगार आरती। और महाकाल का दर्शन करने के बाद आपको काल भैरव की भी दर्शन करनी जरूरी होती है, तो वो भी मैंने दिखाया है। ये स्थान बहुत ही ज्यादा मंगलकारी है, क्योंकि सबसे पहले तो सारी जो सप्त ऋषियां है उनमें अवंतिका नगरी का विशेष पुण्य है, विशेष महत्व है। कोई भी धार्मिक यात्रा चारों धाम की करते हैं तो अवंतिका खंड से आरंभ होती है धार्मिक यात्रा चारों धाम की। पहला, दूसरा, महाकाल यहाँ काल रूप में विराजमान है। आकाशे तारकम लिंगम, पाताले हाटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, सहलिंगम नमोस्तुते। जहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में बाबा महाकाल विराजित है वो पूरे ब्रह्मांड का सेंटर है, ध्यान रखिएगा। और आप यहाँ मंगल ग्रह पर खड़े रहकर जो आपने आज दर्शन किया है मंगल देव का, ये शिव पुत्र है। इनकी कथा शिव पुराण में आती है कि महादेव की क्रोधित मुद्रा में उनके मस्तक का जो पसीना भूमि पर गिरा था, जिससे मंगल ग्रह का जन्म हुआ था। भूमि के गर्भ से अंगारक रूप में अंगारकाय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो भूमः प्रचोदयात्। उसी क्षण महादेव की ऊर्जा गिरने के उपरांत मंगल का जो जन्म हुआ है वो अंगारक रूप में हुआ है। मंगल उग्र है और मंगलकारी भी है। इनमें मंगलकारी और विध्वंसकारी दोनों प्रतिक्रिया है। ऐसा नहीं है कि मंगल हमेशा अमंगल ही करते हैं, वो जन्म कुंडली के आधार पर पता चलता है कि अगर मंगल नीच भाव में है तो निश्चित रूप से आपको प्रताड़ित करेगा। उसके लिए इस भूमि पर आकर मंगल का दही भात का पूजन करने से
मंगल को प्रबल बनाकर शुभ फल प्राप्त किए जा सकते हैं। ये शास्त्रोक्त विधि से संपन्न पूजन है। इसका पूजन करने से प्राणी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, जिसमें दूध दही घी शक्कर शहद इन चीज़ों का मिश्रण किया जाता है। उस ग्रह के मस्तक पर चढ़ाया जाता है, जिससे उस ग्रह को शांति प्रदान होती है, क्योंकि मंगल अंगारक रूप में उत्पन्न हुए हैं। और ये बड़ा अद्भुत स्थान है, यहाँ पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है ये, जहाँ पर मंगल देव शिव रूप में विराजमान है। कर्क रेखा के मध्य में यहाँ मंगल शिव रूप में विराजमान है। ये बड़ा अद्भुत स्थान है। जैसे कि जगन्नाथपुरी में आप जाओ, विपरीत दिशा में झंडा लहराता है, क्या संभव है? हवा जिधर चलती है, अगर उधर झंडा नहीं ले रहा है, ये संभव है विपरीत दिशा में? परंतु वहाँ होता है, क्योंकि वहाँ साक्षात नारायण हरि का वास है। उसी प्रकार ही अवंतिका में महाकाल का वास है। ये बड़ी अद्भुत नगरी है। तो हमारी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं कि जीवन में मंगल कल्याण हो, सबके लिए बोलिए, आपका मंगल कल्याण हो, सर्व कार्य की सिद्धि हो। बोलो हर हर महादेव। राजा धीराजा महाराजा श्री महाकालेश्वर भगवान की जय। श्री ग्रह राजा महामंगल महाराज की जय। आप सभी का मंगल कल्याण करे महामंगल बाबा महाकाल और आपकी यात्रा तो जैसा कि आपने सुना कि अभी पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे क्या पूजा करने से क्या इसका फलदायक होता है, तो आप लोग जैसे कि अगर यहाँ पे आते हैं और अगर आप पूजा नहीं करवा सकते हैं बहुत जो विस्तार रूप से, तो आप आए यहाँ पे छोटी सी पूजा कर सकते हैं। 150 रुपये में आप एक टोकरी लेके उसमें बहुत कुछ दिया हुआ रहता है, जो कि आप यहाँ पे बैठे हुए पंडित जी जिन्होंने बात की, जिनसे अभी मैंने बात करवाया, आप लोगों को बताया, आप उनसे यहाँ पे आके पूजा करवा सकते हैं। चलो भाई आगे चलो, चलो भैया आगे बढ़ते जाइए, चलो दीदी आगे आ जाओ। आगे आ जाइए भैया, अरे चलो बाबू जी आगे आइए, चलो आइए। कमल कांत सहाय तो यहाँ पर मैं पापा से बात करते हुए और उनसे पूछते हुए कि उन्हें कैसा लग रहा है उज्जैन आकर, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये महाकाल श्रृंगार आरती है। तो अभी महाकाल का श्रृंगार हो रहा है और आगे आप देखेंगे महाकाल आरती। तो दो तरीके से आपको देखने को मिलेगी, एक तो आप लाइट में देखेंगे और दूसरी लाइट ऑफ होने के बाद, जो कि बहुत ही अच्छी लगती है।
अपने बारे में, अपने स्टॉल के बारे में बताओ। ये 5 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक लगती है। सुबह 5 बजे क्या क्या हो जाता है आपके यहाँ पर? तो महाकाल का दर्शन करने के बाद बाहर निकलते ही कुछ दूर चलते ही आपको ये मैगी पॉइंट मिलेगी, जिसमें कि मैगी के 150 वैरायटी आपको देखने को मिलेंगे। और एक्चुअल में जो इनकी मैगी होती है बहुत ही टेस्टी होती है, और आप इसे ज़रूर ट्राई करें जब भी यहाँ आए। और आप ट्राई करेंगे तो आप फिर से दोबारा आएंगे यहाँ पे। और सिर्फ मैगी नहीं, इनकी बहुत सारी वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेगी, जो कि शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक आपको मिलेगी। आप लोग भी तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग काल भैरव मंदिर की तरफ जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, महाकाल का दर्शन करने के बाद काल भैरव का दर्शन करना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ तक था हमारा उज्जैन का सफर। सो बैक टू आवर नॉर्मल लाइफ। अब आपको यहाँ से हमारा डेली ब्लॉग देखने को मिलेगा, और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, और इसी तरह हमारे ब्लॉग्स देखते रहें।